अफगानिस्तान पिछले 40 साल से खुद हमारे लिए एक मसला बना हुआ है। 40 साल से भी ज़्यादा अरसे से हम भुगत रहे हैं दहशतगर्दी को, हमने भुगता अफगानिस्तान की वजह से, असलाह हमारे यहाँ अफगानिस्तान की वजह से, मंशियात हमारे यहाँ अफगानिस्तान की वजह से, हमने 70,000 कुर्बानियाँ दी अफगानिस्तान की वजह से। अफगानिस्तान में खुद क्या है, मतलब अब अफगानिस्तान को तन्हा कर दिया है अमरीका के दबाव और पाबंदियों के बाद। जो इमदाद अफगानिस्तान को पहले दी जाती थी अब वो भी नहीं मिल रही। अफगानिस्तान की मईशत का 75% इनसार इसी इमदाद पर है और ये इमदाद बंद होने के बाद लोगों को तनख्वाहें मिलना बंद हो गई हैं। हालात के पेश नज़र तालिबान हुकूमत ने इंसानी बुनियादों पर आलमी बरदरी से मदद की खसूसी अपील भी की। उनका ये कहना था कि वो जामे हुकूमत खवातीन और अकलियतों के हकूक समेत तमाम इंसानी हकूक के मामलों पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त बैंकिंग सिस्टम तबाह हो चुका है, बाहर से पैसा आना मुमकिन नहीं है और अमेरिका की पाबंदियों के बाद दुनिया के बेशतर बैंकों ने अफगानिस्तान की सेंट्रल बैंक से बायकॉट कर दिया है। अब इंसानी मदद के लिए अमेरिका ने यूएन और दीगर एनजीओ को जनरल लाइसेंस के तहत मखसूस सरगर्मियों की इजाज़त दी है। आलमी बैंक अमेरिका के दबाव के बायस मजबूर हैं और यूएन के मुताबिक साल के इख्तिताम तक 3.2 मिलियन बच्चे गजाई कमी का शिकार हो जाएंगे, जबकि 1 मिलियन बच्चों के मरने का खतरा मौजूद है, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। अफगानिस्तान की इस सूरत हाल पर गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में मुस्लिम ममालिक की खसूसी प्लेटफॉर्म OIC का इजलास हुआ, जिसमें अफगानिस्तान की इमदाद के लिए खसूसी फंड और फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम को तशकील दिया गया। लगाई साहब, हमने OIC का बड़ा इजलास भी कर लिया, तमाम जो मुल्कों के सरबराहान थे, वज़रा खारजा थे, उनको बुलाया, बड़ी अच्छी बातचीत भी हुई, 6 नकात भी हमने रख दिए, तरीक़ेकार पे भी हमने बात कर ली, लेकिन जो अफगानिस्तान ने कदम बढ़ाना है वो अफगानिस्तान उस तरह बढ़ा नहीं रहा, तो कब तक हम अपनी गारंटी पे दुनिया से बात करते रहेंगे? बात यह है कि आप अगर ठेका लेते हैं किसी का तो फिर आपके अपने ज़िम्मे होता है ना कि आप ठेका ले रहे हैं। अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और अफगानिस्तान पिछले 40 साल से खुद हमारे लिए एक मसला बना हुआ है। 40 साल से भी ज़्यादा अरसे से हम भुगत रहे हैं दहशतगर्दी को, हमने भुगता अफगानिस्तान की वजह से, असलाह हमारे यहाँ अफगानिस्तान की वजह से, मंशियात हमारे यहाँ अफगानिस्तान की वजह से, हमने 70,000 कुर्बानियाँ दी अफगानिस्तान की वजह से। अफगानिस्तान में खुद क्या है, मतलब अब अफगानिस्तान खुद कहाँ स्टैंड करता है? और हम उतने हमदर्द हैं कि जब आखिरी वज़राए खारजा की तस्वीर बन रही होती है तो हम अफगान वज़ीर खारजा को एक तरफ कर देते हैं, आप ना तशरीफ़ लाएँ, आपकी तस्वीर, आप इस तस्वीर में शामिल नहीं होंगे, तो हम कहाँ खड़े हैं? हम क्या बात क्या करना चाहते हैं? हम किसको साथ लेना चाहते हैं, किसको साथ नहीं लेना चाहते हैं? बात यह है कि अफगानिस्तान को अपना मसला खुद हल करने दें। अच्छा, उसके पड़ोस में तो ताजिकिस्तान भी है, उज़्बेकिस्तान भी है, ईरान भी है, और साथ में अज़रबैजान भी दूर नहीं है, काजिकिस्तान भी साथ है, सेंट्रल एशिया की मुस्लिम रियासतें सारी की सारी हैं, कोई और भी तो इस तरफ कदम बढ़ाए। अगर एक एक मुस्लिम ममालिक भी 10-10 करोड़ डॉलर करके दे इनको, तो जितने मुस्लिम जितने आए हुए थे वज़राए खारजा इतने ही करोड़ डॉलर दे देते, तो कम अज़ कम इस बहरान से तो निकल जाते। वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे सिर्फ रोना पीटना हो रहा है। अफगानिस्तान की तरफ जाना है, उसकी तरफ कुछ करना है, तो लोग अमरी इमदाद करें जो नहीं हो रही है, और ख़ुद तालिबान अपने बारे में तय करें कि वो क्या चाहते हैं। उन्हें इकतदार मिल चुका है, उन्हें अफगानिस्तान की हुकूमत उनके हाथ में आ गई है, उनने काबुल फतह कर लिया, कंधार फतह कर लिया, हेरात और मजार शरीफ कब्जा कर लिया, आपने पंचेर में भी पहुँच गए, हर जगह पहुँच गए। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप दुनिया के साथ क्या रवैया अख्तियार करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ख्वातीन को इज्जत दी जाए, ख्वातीन को एजुकेशन के मौके दिए जाएं, वहाँ जमहूरियत बहाल की जाए, वहाँ वोट को हुरमत दी जाए, अगर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं तो सुभानअल्लाह, अगर नहीं कर सकते तो ये दुनिया चलेगी इसी तरह से, जमहूरियत के साथ, इंसानी हकूक़ के साथ। अगर इंसानी हकूक़ की गारंटी नहीं होगी और अगर आपके यहाँ पाकिस्तान में जराइम करने वाले दहशतगर्द बैठे होंगे और उनको कुछ भी पूछने का नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में हमें भी कितना अरसा हम लोग जो है अकेले बात कर सकते हैं। और ये बात आपने बिल्कुल, हमने कितना नुकसान उठाया है अफगानिस्तान में हुई जंग से, उसके बाद की सूरत हाल से, और अब भी हम ये समझते हैं कि वहाँ पर दाइश जिस तरह परवान चढ़ रही है, वो हमारा भी एक मुतालबा है अफगानिस्तान से, इसको अफगानिस्तान किस तरह टेकअप कर रहा है। इस तमाम से सूरत हाल बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया आरिफ नवाज साहब ने। जब हम इंसानियत की बात करते हैं, हम बात करते हैं भूख की, अफलास की, अच्छी अच्छी बात है, हमें करनी भी चाहिए, दुनिया के सामने अफगानिस्तान का मसला उठाना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और हमारे मुल्क ने क्या नुकसान उठाया,
इस तमाम तर सूरत हाल को लेते हुए, और अकेले हम अगर अफगानिस्तान की बात करते रहेंगे लेकिन अफगान तालिबान हमारी ही बात को टेकअप नहीं करेंगे, दुनिया की जो मुतालबात हैं उनको नहीं मानेंगे, तो हम अकेले कब तक आवाज़ उठाते रहेंगे हारिस साहब? बात यह है कि बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और देयर वर सडन रीजंस फॉर इट। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अफगानिस्तान की इस वक्त सिचुएशन जो है इससे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है और ज़्यादा अफेक्टेड होगा अगर वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा भूगर्भ लास हो गई, वहाँ पर कैओस हो गया, कन्फ्यूजन हो गई, टेररिज्म बढ़ गया, तो उसके फॉलोअर पाकिस्तान की तरफ आएंगे। एक अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान यही कोशिश कर रहा है और दुनिया को जो हमने ये फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस वो इसी बुलवाई है, इसी बुलाई है कि उनको बताया जाए कि इसके नुकसान क्या हैं और फवायद क्या हैं। साथ ही साथ अफगान हुकूमत को पाकिस्तान यही कह रहा है कि आप इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाएं जो लेजिटिमेसी हो ताकि आपको फिर दुनिया एक्सेप्ट कर सके। सबसे बड़ी इस वक्त रुकावटें जो हैं, जो नज़ीर साहब सही बात कर रहे थे लगारी साहब, कि ये इस वक्त जो पैसा नहीं मिल रहा, वजह यह है कि यूनाइटेड नेशन की सेंक्शन लगी हुई है, बैंकिंग उनको कोई मुल्क पैसा नहीं दे सकता। इसलिए इस्लामिक सबरा कॉन्फ्रेंस ने ये फॉरन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस डिसाइड किया है, एक ट्रस्ट फंड किया है और जो पैसा भी खर्च होगा वो यूनाइटेड नेशन के थ्रू इस्लामिक वालिक देंगे ताकि वो लेजिटिमेट हो और वो ये ना समझे कि किसी टेररिज्म के लिए जा रहे हैं बल्कि वो उनकी वेलफेयर के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। ठीक है, ये ज़रूर दे, जो पॉइंट हम रेज कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो सूरत हाल हम बात कर रहे थे अभी फ़िलहाल अफगानिस्तान की सूरत हाल की और कल होने वाले OIC इजलास की, लेकिन जो पॉइंट रेज किया लगारी साहब आपने, मैं चाहूँगी इसको हम समअप कर लेते हैं कि अब हम अफगानिस्तान में जो भी भूख अफलास बढ़ेगी ज़ाहिर खत्ता मुतासर होगा, सबसे पहले हम मुतासर होंगे। जो अभी हारिस साहब ने बात की, हमें इस चीज़ को देखना ही है, ज़ाहिर हमें अपनी जो तमाम तरह जो अफगान महाजरीन अभी भी मौजूद हैं, फिर एक रोज़ पहले फवाद चौधरी का बयान कि उन्होंने कहा कि जो अफगान महाजरीन यहाँ हैं वो यहाँ से चले जाएं, मैं उनको कहता हूँ, तो ये सिचुएशन भी तो हम देख रहे हैं ना और झेल भी रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ, हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, एक बड़े दिफाई तजियाकार भी हैं और सूरत हाल पर नज़र भी रखते हैं। मैं अपने खदशे का इजहार करता हूँ, हो सकता है कि ऐसा ना हो कि जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने कहा कि यहाँ मेला लगाओ, हमने लगा लिया, अब हुआ कुछ नहीं, इससे होगा भी कुछ नहीं। अब क्या होगा, नई फरमाइश आएगी कि देखो भाई मुसलमान मुल्कों ने कुछ नहीं किया, अब अपने गेट खोलो, वाघा बॉर्डर को खोल दो और यहाँ से इंडियन ट्रक जाएंगे मदद करने के लिए और अफगानिस्तान में मदद पहुँचाएँगे और फिर उसके बाद इंडिया जो है वो हमसे हमारे शाहराहों को ट्रेड रूट के तौर पर इस्तेमाल करेगा, पहले इंसानी इमदाद के नाम पर जाएगा, फिर ट्रेड रूट के तौर पर जाएगा, फिर सेंट्रल एशिया